हिंदू त्योहारों की बात की जाए तो एक नारी परंपरा निर्वहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खरगोन जिले की महिलाओं ने भी छठ के दिन पूजन अर्चन करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। छठ पूजा 31 अक्टूबर शुरू हुई, जिसमें व्रती नदी में खड़ी होकर उपवास करने का संकल्प लेती है। दूसरे दिन खरना करती है, जिसमें शाम को प्रसाद में दूध, गुड़ की खीर, आटे, घी का प्रसाद जैसे पकवान बनाए जाते हैं। वहीं छठ की शाम को व्रती महिलाएं छठ घाट पर छठ मैया के गीत गाकर नदी में खड़ी होती है और प्रसाद को बर्तन में लेकर 3 बार सूर्य भगवान को दिखाते हुए जल से स्पर्श कराती है। इसी विधि विधान के साथ खरगोन के DRP लाइन की महिलाओं ने भी छठ मैया की पूजा और सूर्य भगवान की आराधना करते हुए व्रत को पूरा किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये छठ पूजा आप कर रहे हैं, छठ पूजा का क्या महत्व है, किस तरीके की जाती है? छठ पूजा का महत्व है बहुत, विश्व में सब बिहार में के बहुत शुभ होता है छठ पूजा के। लड़के खतरा कही जाता है, लड़के खतरा करते हैं के महत्व बहुत अच्छी है। किस तरीके से छठ पूजा करते हैं आप लोग? करते हैं गेहूं, एक दिन खरना करते हैं, गेहूं धोते हैं, गेहूं धो के एक दिन नहाने खाने के रहता है, फिर दूसरा दिन उसको व्रत कर रखते हैं, संस्कार तक फलोने खाते हैं, फिर तीसरा दिन घाट पर आते हैं, सब फल फूल लेके आते हैं घाट पर लेके गन्ने वन्ने लेके आते हैं घाट पर, फिर पूजा करते हैं, फिर काल के जाके काल व्रत खोलेंगे। अब यहाँ जैसे घाट नहीं है तो आपने घाट की जगह पर ये अस्थायी व्यवस्था करी? हाँ, ये हर साल करना पड़ती है? हाँ, ये हर साल कर देते हैं। तो ऐसा अस्थायी कुंड बना के पूजा करते हैं? पूजा करते हैं पानी में के ज्यादा महत्व, पानी में के नदी में के है, तो यहाँ नदी में तो अभी ये अपन कर लेते हैं। क्या नाम आपका? ज्ञान की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।